गर्डरलोड जाने के लिए आपको ट्रेन लेनी होगी वाटरलू स्टेशन से। ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा स्टेशन है और सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला स्टेशन है। आपने कई हिंदी मूवीज में भी ये स्टेशन जरूर देखा होगा। तो टिकट के रेट्स आप टिकट कितने दिन पहले से बुक कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। हमें टिकट्स 18 पाउंड पर हेड के कॉस्ट से मिला था। तो टिकट आपको वेमाउथ वाया मैनचेस्टर वाली लेनी है और टिकट आप मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं। तो ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म में बिल्कुल रेडी खड़ी हुई थी। तो इस ट्रेन में जो फर्स्ट 5 बोगीज है आपको उसी में से किसी एक बोगी में बैठना है। इस ट्रेन में ज्यादातर कोई भीड़ नहीं होती, ट्रेन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। पर इस ट्रेन में कोई कैंटीन नहीं है तो आप अपने साथ खाने का कुछ सामान जरूर रखिएगा। तो टिकट में डिस्काउंट के लिए आप फैमिली एंड फ्रेंड रेल कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो डडरडोर के लिए आपको उतरना है वूल स्टेशन में। स्टेशन बहुत ही छोटा सा स्टेशन है। तो स्टेशन के बाहर से या तो आप कैब ले सकते हैं या फिर हमारे जैसे आप बस ले सकते हैं। तो बस के चार्जेस से 2.50p पर पर्सन और ये बस हमें पहुंचा देगा बस 15 से 20 मिनट में ही डडरडोर बस स्टॉप। डडरडोर बस स्टॉप उतर कर हम चल पड़े हैं अब पैदल। अगर आप कैब ले रहे हैं स्टेशन से तो आप डडरडोर पार्किंग तक का कैब लीजिएगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा नीचे उतर के जाना है। तो आपको हर जगह इस तरीके के बोर्ड्स मिलेंगी तो आपको रास्ता ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और ये छोटे से जंगल से हम 10 से 15 मिनट बस वॉक करने के बाद ही डडरडोर पहुंच जाएंगे। और यहाँ हम पहुंच गए हैं डडरडोर का कार पार्क। तो अगर आप कैब से आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहीं पर आ सकते हैं। तो यहाँ से नीचे बीच तक जाने में आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। आप अच्छे फुटवेयर यहाँ जरूर रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा स्लिपरी है। और अगर आप सनी डे समर में जा रहे हैं तो आप अपने साथ समर हैट और गॉगल रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो डडरडोर के फेमस स्टोन आर्च के पहले आपको एक छोटा सा बीच मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो हमने सोचा था कि वहां से लौटते वक्त हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। और फाइनली हम पहुंच गए डडरडोर। तो ये वर्ल्ड के कुछ बहुत ही फेमस स्टोन आर्च में से एक है और ये तकरीबन 10,000 साल पुराना है। तो हमने तो यहाँ बहुत मस्ती की, स्पेशली बच्चों ने। तो अगर आपको यहाँ स्विमिंग करना है तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़ा भी जरूर रखिएगा। और अगर आपके पास काइट है तो काइट तो आप यहाँ जरूर उड़ाइएगा। तो डडरडोर में बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम फिर से चल पड़े हैं एक और बीच में। तो ये बीच में जाने के लिए आपको काफी सीढ़ियां नीचे उतर कर जाना पड़ेगा। तो लववेद कोव जाने का रास्ता भी यहीं से जाता है तो वो जाने में करीबन 30 मिनट्स लगते हैं। और इसके बाद हम जा रहे हैं वेमाउथ बीच। तो यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, ये इतनी सुंदर जगह थी। तो वापस से वो छोटे से जंगल से हम चल पड़े हैं डडरडोर बस स्टॉप। तो सेम बस स्टॉप में आपको मिलेगी बस नंबर X52 जो आपको डायरेक्टली वेमाउथ तक पहुंचाएगी। तो इसके जो प्राइस थे ये था 4.50p पर हेड। तो हमें ये बस राइड बहुत ही पसंद आई क्योंकि ये ओपन बस था और बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय किए इस बस में।
30 मिनट के जबरदस्त बस राइड के बाद आप पहुंच जाएंगे वेमाउथ, और ये बीच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये सैंड बीच है, तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या देखने के लिए है। तो ये जो बीच है ये बहुत ही ज्यादा शांत है, यहाँ पर आपको कुछ बोटिंग करने को भी मिलेगा। हम जब पहुंचे तब बोटिंग बंद हो चुकी थी, तो ये डडर रोड जितने इसकी जो लहरें हैं वो इतनी बड़ी तो नहीं है, पर यहाँ बैठकर आप आराम से घंटों बिता सकते हैं। और यहाँ बच्चों के करने के लिए बहुत सारे राइड्स हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक। यहाँ फन फेयर भी लगा हुआ है, और यहाँ बड़ों के करने के लिए भी बहुत सारे एडवेंचरस राइड हैं, तो आप एक बार जरूर करिएगा। तो यहाँ कोई आंटी हैं जो अच्छी फोटोज निकाल रही है, तो आप भी ऐसे फोटो जरूर निकालिएगा। बहुत ही सुंदर जगह है, बीचेस बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे हैं। तो मेरा बेटा यहाँ से तो निकलने के लिए तैयार ही नहीं था, यहाँ उसने सारे राइड्स ट्राई किए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि छोटे के साथ बड़े भी ये सारी चीजें एंजॉय कर रहे थे। और हम आ गए वेमाउथ स्टेशन, जहां से हमारी वाटरलू के लिए ट्रेन थी। तो डडलडोर और वेमाउथ का एक दिन का सफर हमारा यहीं पर खत्म हुआ। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा, और मेरे आने वाले और भी अच्छे वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।